हेलो एंड वेलकम टू पेरेंट्स वर्ल्ड। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए न्यू वीडियो और उसका टॉपिक है हेयर लॉस, और मतलब बाल झड़ना। और ये भी बहुत कॉमन है बच्चों में, मीन्स चिल्ड्रेन या बेबीज के लिए है। किसी किसी बच्चों के साथ होता है, किसी बच्चों के साथ नहीं होता है बाल झड़ना। स्वराज का भी बाल झड़ गया था, आगे से उसका पूरा यहाँ का बाल पूरा झड़ गया था। आई थिंक वो तब 3 महीने का था, 3 या 4 महीने का था, तो उसका काफी यहाँ का बाल बहुत सारा एकदम ही पूरा ही चला गया था, फिर धीरे धीरे उसका वापस आ गया। तो उसी से रिलेटेड है ये वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं कि हेयर लॉस होता कैसे है। तो सबसे कॉमन जो है वो है फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिससे बच्चों का बाल झड़ता है। या फिर बच्चों को आप झूला में सुलाते हैं, तो अगर बच्चों का सर कहीं से झूला में कांस्टेंट रब हो रहा है तो वहाँ का बाल भी झड़ता है। या फिर आप बच्चों का बहुत ज़ोर से पोनीटेल मतलब चोटी बांधते हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा ज़ोर से चोटी बांध देंगे बच्चों का, तो उससे भी बाल क्या होता है कि टूटता है या झड़ता है। और सबसे कॉमन जो है वो है न्यूट्रिशन की कमी से, बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी से भी हेयर लॉस होता है। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या है? हेयर वॉश करने के टाइम बहुत सारे बाल गिरेंगे बच्चों को। अगर आप टोपी कैप पहनाते हैं तो वो कैप में या फिर बच्चों के पिलो में आपको बहुत सारे बाल दिखेंगे। जब उनका आप कंघी करेंगे तो कंघी में बहुत सारे बाल एक साथ गिरे हुए दिखेंगे आपको, और सर में बोल्ड पैच भी दिखेंगे, मीन्स जहाँ से बाल आपका बच्चों का गिर रहा है वहाँ पे ऐसा बोल्ड पैच दिखने लगेगा कि वहाँ का एरिया जो स्कैल्प होता है वो बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो ये सब है बच्चों का हेयर लॉस का सिम्टम्स। अब जानते हैं इस हेयर लॉस को रोके कैसे। ऑलरेडी हेयर लॉस स्टार्ट हो चुका है, मीन्स बच्चों का बाल गिर रहा है, तो अब हम उसे कैसे रोक सकते हैं ये जानते हैं। सबसे पहले तो आप बच्चे का बाल डेली वॉश करें, मीन्स अगर बच्चों का बाल झड़ रहा है, फंगल इन्फेक्शन हुआ है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो आप बच्चों का हेयर वॉश डेली करें। और अगर पॉसिबल नहीं है डेली हेयर वॉश करना, तो सर में ज़्यादा तेल ना डालें, क्योंकि तेल से क्या होता है, तेल बच्चों का सर में जमा रहता है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा जो डस्ट होता है वो बच्चों का सर में बैठते जाता है और वो जम जाता है, और जिसके वजह से ही फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन बोल सकते हैं कि वो होता है। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, बच्चों का सर जो है वो गंदा ना रहे। सेकेंड है कि पोनी टेल मीन्स चोटी बहुत ज़ोर का ना बांधे, और पॉसिबल हो तो बच्चों का बाल जो है वो खुला ही रहने दे। और छोटे छोटे क्लिप्स आते हैं या फिर रबर हेयर बैंड आते हैं इलास्टिक वाले, वो आप लगा के छोड़ दे। अगर बच्चे को बाल से बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेशन हो रहा है, फेस में आ रहा है, तो आप हेयर क्लिप लगा दे, लेकिन पोनीटेल जो होता है जोर का वो ना कर बांधे। नेक्स्ट है कि जब आप बच्चों का कंघी हेयर कॉम्ब करेंगे, तो हेयर कॉम्ब करने से पहले आप हल्का हल्के हाथ से बच्चों को बाल को ऐसे ऐसे सुलझा लें, और उसके बाद हल्के हाथ से कॉम्ब करें। ज़्यादा जोर जोर से भी नहीं करना है, वरना उनके बच्चे के जो स्कैल्प भी होते हैं वो भी बहुत नाजुक होते हैं, तो उनको स्कैल्प में चोट भी लग सकता है, और फिर बहुत जोर का करेंगे तो बाल भी ज़्यादा गिरेगा। तो इस बात का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट है कि आपके बच्चे को जो हेयर प्रोडक्ट मतलब जो शैम्पू बच्चे को सूट होता है, आप वही कंटिन्यू करें। ऐसा नहीं कि बच्चे का हेयर लॉस हो रहा है तो अरे हम तो ये शैम्पू लगा रहे थे तो शायद शैम्पू के वजह से हेयर लॉस हो रहा है, तो हम ये शैम्पू चेंज करके दूसरा शैम्पू लेके आते हैं, अब वो भी नहीं हुआ तो फिर हम दूसरा लेके आते हैं। तो ज़्यादा हेयर प्रोडक्ट चेंज करने से भी प्रॉब्लम है। तो जो आपके बच्चे को सूट कर रहा है, जो आप रेगुलर लगा रहे हैं, आप वही कंटिन्यू करें, जब तक कि आपके बच्चे का डॉक्टर आपको मना ना करे कि ये शैम्पू नहीं लगाना है बच्चे को। और लास्ट में, अगर ये जो हेयर फॉल है ये हर 2-3 मंथ में वापस आता है, रिपीट हो रहा है, मीन्स आपने होम रेमेडी किया और बच्चे का हेयर लॉस रुक गया, लेकिन फिर से 1-1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद फिर से वही चीज़ रिपीट हो रहा है, और ऐसा हो रहा है बार बार, तो आप सबसे पहले तुरंत अपने बच्चे को डॉक्टर से मिले और उनसे कंसल्ट करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा हेल्प मिला होगा, और अगर आपको कुछ भी जानकारी मिली है तो आप ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगी।
ओके, अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।